शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ने कहा था कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम लोगों को विश्वास नहीं होता था कि किस तरीके से युग बदलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ आज आप लोग महसूस करते होंगे कि युग बदल रहा है। धीरे धीरे गुरु जी ने जो लक्ष्य लिया है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे यहाँ के बात हो पूरे देश में। मैं कह सकता हूँ युग बदलने जैसी बात किसी भी प्रकार के नाम जो है देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, गुरु जी ने जो लक्ष्य लिया है उसकी तरफ। मैं आज के अवसर पर चर्चा कृष्ण कहकर सुगमा जी ने दो बार मुझे बाहर की बड़ी बड़ा में आना, मैंने दोनों बार हाँ कहा। साढ़े बारह एक बजे के करीब मैंने जब फोन किया सुगमा जी खाली हो गया, आ जाओ सोमला जी ने मार तो भोजन चल रहा है, तो फिर चलो भोजन चल रहा है फिर आगे आएंगे। मैं नहीं पहुंच सका, आज के कार्यक्रम की सूचना मिली थी अगर आज भी मुझे शाहजहानपुर जाना है, पार्टी के चुनाव चल रहे हैं उसमें चुनाव अधिकारी हूँ शाहजहानपुर में बाबूखेड़ा में, तो मुझे चुनाव कराना। लेकिन मैंने सोमला जी से कहा कि 10 मिनट के लिए निश्चित होंगे, भेंट हो जाएगी, स्थान के भी दर्शन हो जाएंगे, बच्चों के साथ भी कम से कम दर्शन प्राप्त होंगे। तो मैं आप भी आया वो भी चंद्र में आया। अभी माल्या जी ने कुछ कहा था बड़ी बड़ा के बारे में, योजनाओं के बारे में, मैं कहना चाहता हूँ जो भी निर्णायक गुरु जी ने मुझे बनाया, जो भी सहयोग होगा वहाँ के लिए, जब कभी आप याद करेंगे मैं मसला वर्षा करना वहाँ के सहयोग के लिए उपस्थित रहूंगा। और आज के अवसर पर अभी कभी कहेंगे की भाई ये और कार्यक्रम चलने हैं, मैं ज्यादा कुछ लगे ऐसा लंबा व्याख्यान नहीं देना चाहता हूँ। पुनः एक बार शरद पूर्णिमा की आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूँ। यहाँ पर महीने भी बैठी हुई है, हम लोगों के यहाँ वार्ता चलती है, आज जो है चंद्रमा के द्वारा चंद्र के द्वारा अमृत की वार्ता होती है। हमारी महीने तमाम जो है ज्यादातर लोग बनाती हो किसी लिए बना के आज मतलब जो है और चाहती होगी कि अमृत बरसेगा तो इसमें आ जाएगा और अमृत के प्रमाण के रूप में कल ग्रहण करेंगे। तो मैं सभी से कहूंगा जो खीर बना के निश्चित रूप से रखें, अमृत वर्षा होगी वो खीर का जो है तथा स्वागत करें, अमृत की प्राप्ति करें। मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।